दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश खर्जुल व्लॉग्स में। दोस्तों आज का टॉपिक है दिव्या भारती जी की, जो डेथ हुई थी आज से लगभग 26-27 साल हो गए उसको। तो वो डेथ थी या उसके पीछे कुछ हादसा था या उनका मर्डर हुआ था, इस बात के मैं कुछ चौंकाने वाले खुलासे करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये खुलासे बहुत ही चौंकाने वाले हैं दोस्तों, तो आप ये वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। और कुछ दिन पहले मैं श्रीदेवी जी के ऊपर भी ऐसा ही वीडियो लाया था, जिस वीडियो को मुझे आज कम ज्यादा से ज्यादा 30K, आज के आंकड़े बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे 30K से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और काफी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। तो ये वीडियो भी आप स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों दिव्या भारती जी 1990 से लेके 1992 तक सक्रिय थी उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। लगभग उनका 3 साल का करियर था, काफी छोटा करियर था, लेकिन ये 3 साल के करियर में उन्होंने बहुत सारी हिट मूवीज दी थी और इन हिट मूवीज में बहुत सारी आपने मूवीज भी देखी उनकी उनकी शोला और सपना, विश्वात्मा, बहुत सारी हिट मूवीज दी थी। और ये 3 साल में लगभग उन्होंने 14 हिंदी मूवीज की थी और 5-6 उन्होंने साउथ की मूवीज की थी। और ये 20वीं में लगभग 80-90% उनकी हिट मूवीज थी दोस्तों, काफी अच्छी ग्रोथ हुई थी उनकी। तो इसके पीछे उनके दुश्मन भी बहुत बढ़ गए थे दोस्तों, बॉलीवुड में उनके बहुत दुश्मन भी बढ़ गए थे, क्योंकि इतनी कम उम्र में, उनकी उम्र थी बॉलीवुड में आने के पहले 17 साल थी और उनकी डेथ हुई थी 19 साल में। तो लगभग जो 2-3 साल का करियर था उसमें उन्होंने इतनी ग्रोथ की थी, तो बॉलीवुड की कुछ हीरोइंस उनकी दुश्मन बन गई थी दोस्तों। और वो हीरोइन के नाम में, एक नाम में आपको अगर बताऊंगा तो आपको बहुत ताज्जुब लगेगा दोस्तों, तो वो एक हीरोइन थी श्रीदेवी जी। और बाकी बहुत सारी हीरोइन की दिव्या भारती के साथ बिल्कुल जमती नहीं थी दोस्तों, उनमें काफी मनमुटाव बन गया था, क्योंकि बहुत सारी मूवीज दिव्या भारती ने अपने कब्जे में ले ली थी और बाकी हीरोइन का पत्ता उन्होंने लगभग पत्ता ही कट कर दिया था। तो कहा जाता है दोस्तों, देखिए ये कहा जाता है, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कहा जाता है कि ये इन हीरोइन का अंडरवर्ल्ड के साथ बहुत ही तगड़ा रिलेशन था उस दौर में। तो कहा जाता है कि इन्हीं किसी हीरोइन में से अंडरवर्ल्ड डॉन के कनेक्शन से इनकी हत्या की गई हो, ऐसा एक तथ्य है दोस्तों। और इस तथ्य को लेके पुलिस ने भी छानबीन की थी, उसका आगे क्या हुआ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों। सॉरी दोस्तों, और दूसरा तथ्य है दोस्तों, उनकी शादी हुई थी साजिद नादियालवाला, जो आज के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। उस जमाने में दोस्तों साजिद नादियालवाला और दिव्या भारती जी का प्रेम हुआ था, उनका अफेयर हुआ था, ये काफी लोग नहीं जानते थे उस समय। तो उनकी मुलाकात शोला और शबनम के मूवी के सेट पे हुई थी और उनकी जान पहचान करवाई थी गोविंदा जी ने उस समय। तो दोनों की अच्छी जान पहचान बनी दिव्या भारती और साजिद नादियालवाला की, और उन्होंने फैसला किया हम लोग शादी करेंगे और आगे अपना संसार बढ़ाएंगे। लेकिन साजिद नादियालवाला एक मुसलमान परिवार के थे और दिव्या एक हिंदू परिवार की थी। तो दिव्या के जो पिताजी है वो काफी अपोज में थे उनके इस शादी के लिए, वो बिल्कुल विरुद्ध थे। उनका कहना था कि अगर मेरी बेटी जाएगी तो सिर्फ हिंदू परिवार में जाएगी, लेकिन दिव्या भारती ने उनके पिता का कहना नहीं माना और उन्होंने उनके मर्जी के बगैर साजिद से शादी कर ली। और ये बातें मीडिया से छुपाई रखे दोस्तों, उस समय किसी को मालूम भी नहीं था कि इनकी शादी हो गई है और एक ही साथ रह रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उनके पिताजी उनसे बातचीत बंद की, और पिताजी भी आप कह सकते हैं पिताजी भी उनके एक तरीके से दुश्मन बन गए थे। तो दूसरा तथ्य देखिए दोस्तों, ये दूसरा तथ्य है, दूसरा तथ्य पुलिस के सामने ये भी आया था कि शायद उनके पिताजी ने तो उनका मर्डर नहीं करवाया,
उनके पिताजी ने उनका मर्डर नहीं करवाया क्या, ऐसा एक तथ्य सामने आया। क्योंकि जिस दिन उसका मर्डर उनकी डेथ हुई दोस्तों, वो उस समय था, उस डेट थी 5 अप्रैल 1993, 5 अप्रैल 1993 का दिन था। और उस समय उनके साथ थी उनकी एक मेड, नौकरानी, जो एक नौकरानी थी दोस्तों की उनके साथ उनके बचपन से थी। और दिव्या भारती के जो माता पिता है, जैसे दिव्या भारती को अपनी बेटी मानते थे, तो जो नौकरानी रखी थी तो उनके पास भी बहुत ही बचपन से थी और उनको दूसरी बेटी मानते थे दोस्तों, वो नौकरानी मानते ही नहीं थे। तो उस दिन जो फ्लैट में रहती थी दिव्या भारती, जो कि फ्लैट उन्होंने नहीं खरीदा था, वो फ्लैट भी साजिद नादियाल वाला ने उसको रहने के लिए दिया था। वो था फ्लैट टाइप, बहुत ही मुंबई के बहुत ही पॉश एरिया में वर्सोवा में, और वो फ्लैट अपार्टमेंट का नाम था तुलसी अपार्टमेंट। तो उसके 5वें फ्लोर पे वो आई थी कुछ शूट करके, हैदराबाद से शूट करके वो आई थी, क्योंकि उस समय वो सिर्फ बॉलीवुड नहीं, तेलुगू मलयालम वे मूवी भी कर रही थी। तो उस दिन वो साउथ इंडिया से लौटी थी, हैदराबाद से लौटी थी, और 5 अप्रैल 1993 को जब रूम पे पहुंची तो नौकरानी ने उसको स्नैक्स दिलवाया। और वो 5 अप्रैल को जो पहुंची तो उन्होंने कॉल किया उनकी एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड नीता लुल्ला और उनके पति नीता लुल्ला, उस समय की बहुत ही अच्छी ड्रेस डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और दिव्या की बहुत ही पसंदीदा कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। तो उस समय कुछ अगली मूवी के प्लानिंग के लिए दिव्या ने उन दोनों को बुलाया था अपने घर पे, और एक छोटी सी पार्टी रखी थी। वो समय था एक रात का समय था। तो उस दिन घर पे उनकी नौकरानी दिव्या भारती, नीता लुल्ला और उनके पति, ऐसे 4 लोग थे। तो क्या हुआ दोस्तों, ये पुलिस की इंक्वायरी, दोस्तों मैं नहीं बोल रहा, ये पुलिस की इंक्वायरी के हिसाब से उस दिन बहुत ही जबरदस्त पार्टी हुई, बहुत ही ड्रिंक्स हुए, अल्कोहल हुए, और कुछ शायद ड्रग्स का भी सेवन किया इन 3 लोगों ने, और नौकरानी उनके लिए खाना परोसती रही। तो पुलिस का ये कहने का था कि दिव्या भारती ने इतनी शराब पी थी और इतनी ड्रग्स ली थी कि वो होश संभाल नहीं सकी, और किचन में एक बालकनी, दोस्तों उनके किचन में बालकनी थी, तो वो बालकनी में वो बेटी और उनका इम्बैलेंस हो गया, बैलेंस छूट गया और वो डायरेक्टली नीचे गिर गया। ये फ्लैट का 5वें माले पे था दोस्तों, 5वें फ्लोर पे था, तो वो डायरेक्टली नीचे आके गिर गई, और नीचे पूरा कॉन्क्रीट सरफेस था पार्किंग का। और दोस्तों देखिए, एक अचरज की चीज ये है कि हमेशा उस पार्किंग में कम से कम 10-15-20 गाड़ी हमेशा पार्क रहती थी, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी पार्किंग नहीं थी दोस्तों, एक भी गाड़ी नहीं थी। पूरा जैसे मानो उनको कि उनको जगह दी गई थी, यहाँ पे आओ गिरो और मरो, ऐसा कुछ प्लानिंग था, या किसने किया था ये भी पुलिस छानबीन कर रही थी उस समय। क्या रहे कि अगर हर रोज 10-15 गाड़ी पार्क रहती है और उस दिन एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी, तो ये तो अचरज की बात थी। तो आगे पड़ताल हुई दोस्तों, लेकिन ये केस लगभग 5 से 6 साल चला। लगभग 1997 के आसपास ये के चला, और अंत में 98 में ऐसा फैसला सुना गया कि ये एक एक्सीडेंट था और दिव्या भारती की मौत ये ज्यादा अल्कोहल लेने से हुई, ज्यादा अल्कोहल सेवन करने से हुई, और उनकी मौत ये गिर के हुई, ऐसा क्लोज कर दिया केस। जबकि इसमें बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य अभी भी मौजूद थे। अभी मुझे पता नहीं दोस्तों कि पुलिस ने इसकी छानबीन क्यों नहीं की। और दूसरा शक, देखिए दूसरा शक जाता था साजिद नादियाल वाले के ऊपर। साजिद के उस समय अंडरवर्ल्ड से बहुत घने संबंध थे, और आज भी है दोस्तों, मैं क्लियरली बताता हूँ, ये आज भी उनके अंडरवर्ल्ड के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, और उनकी पुलिस ने बिल्कुल पूछताछ नहीं की सो दोस्तों कि उनकी मौत कैसे हुई, क्या हुआ। और दूसरा जो नीता लुल्ला और उनके पति थे, उनको भी एक या दो ही बार पुलिस स्टेशन बुलाया गया, कोर्ट में बुलाया गया, और उनकी भी कुछ छानबीन नहीं हुई।
और दोस्तों मैं अभी एक जो खुलासा करने वाला हूँ, ये आप गौर से देखिए, सुनिए, ये किसी न्यूज चैनल में नहीं दिखाया है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। जो उनके साथ नौकरानी थी जी उस रात में, जो स्नैक्स बना रही थी उनके लिए, उसकी मौत भी, गौर से सुनिए दोस्तों, उसकी मौत भी दिव्या भारती के मरने के 1 महीने के बाद उसकी भी मौत हुई दोस्तों, नौकरानी की। जो वजह किसी को मालूम ही नहीं, कैसे भी एक ही वजह पता चली कि हार्ट फेल हुआ है, जबकि वो नौकरानी दोस्तों थी एक 23-24 साल की, और 23-24 साल की लड़की का हार्ट फेल हो जाए, ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ये इतना पॉसिबल नहीं दोस्तों। लेकिन वजह बताई गई ये हार्ट फेल, तो वो केस भी वही दबा दी गई दोस्तों। मुझे आश्चर्य होता है दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है, इतने बड़ी हस्ती की मौत के तुरंत बाद, 1 महीने के बाद उसकी नौकरानी की भी मौत हो जाती है और कुछ पता नहीं चलता। ये बहुत ही वाकई चिंताजनक बात है दोस्तों। अपना कोर्ट, अपनी पुलिस, इनके ऊपर लोगों का ऐसा भरोसा नहीं रह पाएगा दोस्तों। ये केस मेरे ख्याल से फिर से ओपन होनी चाहिए और दिव्या भारती को उचित न्याय मिलना चाहिए। और तीसरी बात, उनके पिताजी से भी पूछताछ बिल्कुल होनी चाहिए थी, जो कि पुलिस ने की, लेकिन वो भी केस वहीं पे रफा दफा किया गया। तो इसके एंगल्स, अलग अलग एंगल्स मैंने आपको बताइए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और आप ही डिसाइड कीजिए कि असली तथ्य क्या है दिव्या भारती के मौत पे। मैं तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दूंगा, वो जहां भी है उनकी आत्मा को सुख मिले, यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।